हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्टोरिंग के बारे में कि प्रोक्टोरिंग होता क्या है और आजकल इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसकी सबसे ज़्यादा क्यों बातें हो रही हैं ठीक है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉक्टरिंग का असली मीनिंग क्या है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं अपन व्हाट इज़ प्रॉक्टर तो प्रॉक्टर का मीनिंग क्या है प्रॉक्टर इज़ अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ और एक्ट्स फॉर अनादर द वर्ड प्रॉक्टर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब सम वन हु ओवरसीज द एग्जाम इन टूडेज टेस्टिंग एनवायरमेंट अ प्रॉक्टर विल टिपिकली वेरीफाई स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बाय चेकिंग अ फोटो आई डी एंड देन इंश्योर्स एकेडमिक इंटीग्रिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जाम्स तो देखिए आप जब भी अपन ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो उसमें कैसा होता है एक इन्विजिलेटर होता है हमारे रूम में अवेलेबल जो कि अपना आई कार्ड चेक करता है अपना रोल नंबर चेक करता है और फिर अपने को एग्जाम देने के लिए अपने जगह पर बिठाता है ठीक है तो इसी तरह से ये प्रॉक्टर काम करता है ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद मतलब से दूसरे जगह पे एक प्रॉक्टर बैठा होता है जिसको अपन इन्विजिलेटर भी बोल सकते हैं और वो इन्विजिलेटर आप पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है तो सबसे पहले जब भी एग्जाम शुरू होता है तो आपको आई कार्ड चेक करेगा आपको फिर आपका एनवायरमेंट चेक करेगा आजू बाजू का ठीक है तो इस तरह से प्रॉक्टर का काम होता है तो प्रॉक्टर यानी कि सिंपली आप समझ लीजिए इन्विजिलेटर फिर उसके बाद होता है कि प्रॉक्टरिंग क्या है वॉट इज प्रॉक्टरिंग प्रोक्टरिंग प्रॉक्टरिंग इज एन ऑटोमेटेड एग्जाम प्रॉक्टरिंग सोल्यूशन दैट रिक्वायर्स नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइडिंग अ स्केलेबल ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जाम प्रॉक्टरिंग सर्विस दैट कैन बी एक्सेस बाय टेस्ट टेकर एट एनी टाइम अलाउज़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एंड बिजनेसिस टू ऑफर अ ट्रूली इफिशियंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉक्टरिंग एग्जाम ऑन लार्ज स्केल तो प्रॉक्टरिंग एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर आप कहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हो वदर इट इज़ एट यूनिवर्सिटीज़ लेवल और इट इज़ एट कॉलेज लेवल तो आप उस सॉफ़्टवेयर की मदद से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो जिसमें चीटिंग फ्री वो एग्ज़ाम रहे ठीक है अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम वो चीटिंग फ्री रहे यानी कि प्योरली आपको स्टूडेंट्स के स्टडी के बेसिस पे अगर आपको उसका इवेल्यूशन करना है तो आप प्रॉक्टरिंग यूज़ कर सकते हो उसमें स्टूडेंट जहाँ पर बैठा है उस एनवायरमेंट का लुकअप किया जाता है और स्टूडेंट्स की मूवमेंट को उसमें कैप्चर किया जाता है ठीक है तो ये है अपना प्रैक्टोरिंग so so तो हाउ इट इज़ वर्कस एवरी स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कंप्यूटर विद स्टैंडर्ड कैमरा माइक्रोफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन तो देखिए प्रोक्टोरिंग अगर आपको करना है तो उसमें तीन चीज़ें आपको ज़रूरी होगी एक तो होगा कैमरा फिर माइक्रोफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन और उसके साथ एक जो भी आप डिवाइस कंप्यूटर बोलो या फिर मोबाइल बोलो ठीक है तो इन ये अगर तीन चार चीज़ें आपके पास है तो आप प्रोक्टरिंग कर सकते हो प्रोक्टरिंग बिफोर द एग्ज़ाम तो अपन समझ लेते हैं कि एग्जाम से पहले क्या होता है प्रोक्टरिंग में प्रोक्टोरिंग ऑथेंटिकेट्स द स्टूडेंट्स यूजिंग फेशियल रिकग्निशन एंड मेंटेन्स कंटिन्यूस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू द एग्ज़ाम तो सबसे पहले क्या होता है प्रोक्टरिंग में आपका फेशियल रिकग्निशन यानी कि आपका जो होता है कैमरा शुरू हो जाता है जब भी आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी तो एग्ज़ाम से पहले क्या होगा आपका फेशियल रिकग्निशन हो जाएगा कि हाँ भाई जो इन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर आपने जो भी आइडेंटिटी वहाँ पे दी होगी आपकी तो वो फेशियल रिकग्नीसन से उसको मैच किया जाएगा अगर आप उससे मैच होते हो तो ही आपकी एग्ज़ाम प्रोसीड होगी नहीं तो आपकी एग्ज़ाम आपको नहीं दी जाएगी अगर वो फेशियल डाटा मैच नहीं करता है ठीक है और उसके बाद तो क्या होता है जो भी आपके एग्जाम का टाइम पीरियड हो एक घंटा दो घंटा तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा उसको मॉनिटर करता रहेगा ठीक है ये होगा बिफोर द एग्ज़ाम उसके बाद है प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तो एग्जाम के बीच में क्या होता है प्रॉक्टरिंग अलाउस स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस वेब पेजेस और अप्लीकेशन प्रोवाइडेड दैट इज़ अलाउड फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम थ्रू आउट द पेज प्रॉक्टरिंग अलाउज मॉनिटर फॉर वेराइटी ऑफ इवेंट्स बिहेवियर्स एंड पैटर्न टिपिकली एसोसिएटेड विद चीटिंग कंसिडर्ड दोज एज एनोमोलीज ठीक है तो क्या एग्ज़ाम के बीच में क्या होता है तो जो आपको पेजेस अलाउड किए गए हैं वही आपके पेजेस एग्ज़ाम के टाइम में आपके टैब में खुलेंगे अदर पेजेस वो नहीं खुलेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या हो गया है रिस्ट्रिक्शन आ गया आपके ब्राउज़र में कि आप सिर्फ वही पेजेस को एक्सेस कर पाएंगे जो वो प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करेगा उसके बाद आप कोई दूसरे आप चाह के भी कोई दूसरे वेब पेजेस पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे आप कोई सर्च नहीं कर पाओगे आप सिर्फ उसी को जो पेजेस आपको एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं उसी को सिर्फ आप एक्सेस कर पाओगे ठीक है और वेब कैम की मदद से वो आप पे ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा और अगर आपका कोई ऐसा फिजिकल स्टेट होता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है जैसे कि आप दूसरी जगह देख रहे हो ना कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो या फिर आप माइक किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी ठीक है और इसी को वो क्या बोलते हैं अगर आप चीट कर रहे हो तो क्या बोलते हो एनामोलीज एनामोलीज यानी कि ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं हो यानी कि विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल दैट इज़ एबनॉर्मल तो उन चीज़ों को वो क्या बोलते हैं एनामोलिज और इसी को अपन क्या बोलते हैं आसान भाषा में चीटिंग ठीक है तो इस तरह से प्रैक्टरिंग एग्जाम के बीच में काम करता है उसके बाद क्या होता है प्रैक्टरिंग आफ्टर द एग्जाम तो प्रोक्टरिंग आफ्टर द एग्जाम क्या करता है वंस द एग्जाम इज कम्प्लीट अ डिटेल एंड ऑप्टिमाइज रिपोर्ट ऑफ द प्रोक्टर सेशन इज प्रोवाइडेड टू द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा फॉर रिव्यू इंस्ट्रक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन टू प्रोक्टरिंग व्यू डैशबोर्ड टू ईजीली सॉर्ट एंड व्यू रिजल्ट हाईलाइट वेयर एनामोलिज अकर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन्स ऑटोनॉमी टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट चीटेड और नॉट तो जैसे ही आप एग्ज़ाम सबमिट कर देते हो उसके बाद आपका जो सेशन है वो एंड हो जाता है और जो भी आपको प्रोक्टर अलॉट किया गया था उसके सामने आपका पूरा एग्ज़ाम का सेशन खुल जाता है और आपकी हरकतें जो भी है एग्ज़ाम के बीच में वो ऑटोमेटिकली कैप्चर की जाती है ठीक है वो ऑटो कैप्चर की तरह काम करती है तो जो भी आपने फिर हरकतें की होंगी उसके फोटोज़ क्लिक होते वो प्रॉक्टर के सामने दिखाई जाती है कि भाई इन्होंने एग्ज़ाम के बीच में ये ये चीज़ें की तो उसके बाद फिर वो प्रॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने एग्ज़ाम में चेटिंग की या नहीं फिर उसके बेसिस पे आपका फिर इवैल्यूएशन किया जाएगा ठीक है तो इसी तरह से प्रॉक्टरिंग होती है तो एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कम स्टूडेंट्स पे उस पर वॉच किया जाता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम के बीच में क्या करता है और वॉच दो टाइप का होता है एक होता है माइक्रोफोन से और एक होता है वेब कैम से ठीक है थैंक यू सो मच